तो गाइस बहुत ही जल्द हमारे इंडिया सर्वर के अंदर गोल्ड गिल्ड स्टोर इवेंट आने वाला है। जी हाँ गाइस, यार मैं आप लोगों को बताऊं तो यार इस इवेंट के अंदर हम लोग अपने गेम की आईडी के अंदर अवेलेबल गोल्ड से साथ ही साथ गिल्ड टोकन से एक्सचेंज करके बहुत सारे आइटम्स को ले पाएंगे। भाई सच में यार ये इवेंट बहुत ही कमाल का होने वाला है, आप लोग चिंता मत करो गाइस। यार आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस इवेंट का कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो गाइस यार इतना ही नहीं, आज की वीडियो में तो हमारे गेम के अंदर आने वाले और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले क्रिमसन इवेंट के बारे बताऊंगा। जी हाँ गाइस, अभी तो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर रमजान इवेंट चल रहा है, बट भाई रमजान इवेंट के बाद हमारे गेम के अंदर क्रिमसन इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर से गाइस हम लोगों को काफी सारे फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। आप लोग चिंता मत करो गाइस, आज मैं आप लोगों को क्रिमसन इवेंट के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिमसन इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कब स्टार्ट होगा और उसके अंदर से हम लोगों को कौन से फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यार आज तो हम लोग हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो गन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, यार अभी बहुत सारे बंदे कंफ्यूज्ड हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट ईवो गन कौन सा आएगा। तो भाई आप लोग चिंता मत करो, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट ईवो गन का भी सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जी हाँ गाइस, यार एक तरीके से देखा जाए तो भाई आज का वीडियो रहने वाला है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और यार इन्फॉर्मेशन तो आप लोग पूछो ही नहीं। आज के वीडियो में हमारे गेम के अंदर आने वाले पेड इवेंट, फ्री इवेंट सभी का इन्फॉर्मेशन है, इसलिए तो यार आज के वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो यारो फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो गन के बारे में। भाई सच में यार कल के वीडियो में मुझे बहुत कमेंट्स आए कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट ईवो गन कौन सा आएगा, यही कारण है कि गाइस यार आज की वीडियो में आप लोगों की स्टार्ट ही इस टॉपिक से कर रहा हूँ। जी हाँ गाइस यार, फिलहाल तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो आप लोग स्क्रीन में M1014 स्कॉर्पियो सैडर स्किन देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बताऊं तो यार यही है हमारे गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट ईवो गन। और यार वैसे क्योंकि अभी हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी एक ईवो गन पड़ा है M10 का, तो इसलिए गाइस यार मैं इस ईवो M10 को ज्यादातर ईवो M10 2.0 कहूंगा। बाकी तो गाइस यार अगर हम लोग इस ईवो गन की कंफर्म डेट और कंफर्म इवेंट की बात करें तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गेम के अंदर आने वाले हर एक ईवो गन की तरह ये वाला ईवो गन भी हमारे इंडिया सर्वर के अंदर फिटेड व्हील में ही आएगा। जी हां गाइस यार, अभी तो आप लोग स्क्रीन में फिटेड व्हील का रिव्यू देख ही पा रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार आज से लगभग 1 से 2 हफ्ते के बीच में हमारे गेम के अंदर एग्जैक्ट सेम टू सेम यही वाला फिटेड व्हील आने वाला है, जहां पर से गाइस हम लोग ईवो M10 2.0 को ले पाएंगे। फिलहाल तो गाइस यार देखो, अगर मैं आप लोगों को इस ईवो M10 के रिगार्डिंग अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं तो भाई जब ये ईवो गन हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आएगा यार मैं तो इसे नहीं निकालूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास ऑलरेडी एक M10 का ईवो गन पड़ा है जो कि इससे काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए यार इसको लेना तो एकदम वेस्ट ऑफ मनी है। बाकी तो गाइस यार आप लोगों को ये ईवो M10 कैसा लगा और क्या आप लोग इसको निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर तो गाइस देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जी हाँ गाइस, जब हमारे गेम के अंदर ये ईवो M10 2.0 आएगा तो उससे पहले पहले हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ग्रीन फ्लेम ड्रैगो वाला जो हमारा पुराना ईवो M10 का स्किन है वो रिटर्न पे देखने को मिल सकता है। जी हाँ गाइस देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इसके रिगार्डिंग ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट यार लीक्स आ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी तो गाइस आप लोग चिंता मत करो, जैसे ही मुझे इस वाले ईवो M10 के रिटर्न के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में वो भी बता दूंगा। पर फिलहाल तो गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले प्रोजेक्ट क्रिमसन इवेंट के बारे में। जी हाँ गाइस देखो, फिलहाल तो हमारे गेम के अंदर रमजान इवेंट चल रहा है, बट यार 28 तारीख से हम लोगों को हमारे गेम के अंदर क्रिमसन इवेंट के आइटम्स देखना स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ गाइस, एक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं तो 28 तारीख से हमारे इंडिया सर्वर के अंदर क्रिमसन इवेंट स्टार्ट होगा, और भाई क्रिमसन इवेंट में तो हमारे गेम के अंदर काफी तगड़े तगड़े से आइटम आएंगे, जिसमें से गाइस यार काफी सारे तो हम लोगों को पेड मिलेंगे और काफी सारे फ्री में मिलेंगे। तो चलो गाइस यार फिलहाल हम लोग क्रिमसन इवेंट के सारे आइटम्स का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जी हाँ गाइस यार, अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जितने भी आइटम गाइस आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो ये हमारे क्रिमसन थीम के ही आइटम है। जी हाँ गाइस, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का ईवो बंडल देखने को मिल रहा है, जो कि यार सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। उम्मीद है गाइस यार आप लोगों को भी ये ईवो बंडल पसंद आ रहा होगा। बाकी तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो ये ईवो बंडल हम लोगों को यहाँ पर से एक नहीं बल्कि 4-4 कलर्स में देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, सबसे पहले यहाँ पर इसका रेड कलर है, उसके बाद यहाँ पर इसका ब्लू कलर भी है, देन तो गाइस यार हम लोगों को इसी बंडल का येलो कलर देखने को मिल रहा है, जो कि सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये कलर पसंद आया होगा। फिर तो गाइस यार यहाँ पर इसी बंडल का पर्पल कलर भी है, और यार मुझे तो ये पर्पल कलर भी बहुत अच्छा लगा। फिर तो गाइस देखो, हम लोगों को यहाँ पर इस ईवो बंडल के बाद ईवो M10 का स्किन भी देखने को मिल रहा है, जिसका रिव्यू मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ। साथ ही साथ गाइस यार मैंने तो इसके इवेंट के बारे में बता दिया, यही कारण है कि गाइस यार अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और गाइस फिलहाल तो आप लोग स्क्रीन में क्रिमसन डायमंड इमोट देखो, भाई सच में यार ये इमोट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
है क्योंकि यार ये है हमारा ईवो M10 का इमोट। मुझे पता है गाइस यार आप लोग सोच रहे थे कि ये इमोट हम लोगों को अलग से मिलेगा, बट नहीं गाइस ये तो हमारा ईवो M10 का इमोट है। फिर तो गाइस यार ये ईवो M10 के इमोट के बाद अभी आप लोग यहाँ पर अवेलेबल एक एनिमेशन को देखो। सच में यार भाई ये एनिमेशन बहुत ही कमाल का है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को भी एनिमेशन पसंद आया होगा। भाई नॉर्मल सी बात है यार, पसंद तो आना ही चाहिए, काफी ज्यादा भयंकर एनिमेशन है। बाकी तो गाइस यार हम लोगों को इस एनिमेशन के बाद यहाँ पर कुछ और भी आइटम देखने को मिलेंगे, जैसे कि गाइस यार यहाँ पर एक स्कॉर्पियन फ्रेंड वाला इमोट अवेलेबल है जो कि यार अभी तो आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। भाई सच में यार ये इमोट भी एक नंबर है। देन तो गाइस यार हम लोगों को यहाँ पर ये स्कॉर्पियन फ्रेंड इमोट के बाद एक एचिंग पावर नाम का इमोट देखने को मिल रहा है। और भाई मैं आप लोगों को बताऊं तो यार ये इमोट तो बेन 10 की कॉपी लग रहा है। फिर गाइस यार बेन 10 की कॉपी इमोट के बाद यहाँ पर हम लोगों को एक फिश का स्किन भी देखने को मिल रहा है जो कि यार अभी तो आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। देन गाइस यार इस ओपी से फिश के बाद यहाँ पर एक कटाना का स्किन भी है। एंड यार ये वाला कटाना का स्किन भी काफी ज्यादा मस्त है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये कटाना का स्किन पसंद आया होगा। तो ओवरऑल तो गाइस यार देखो फिलहाल मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट के जितने भी सारे आइटम्स दिखाए, ये सारे आइटम हम लोगों को हमारे गेम के अंदर पेड इवेंट में देखने को मिलेंगे। पर तो गाइस देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हम लोगों को इस इवेंट के अंदर से बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। तो इसलिए तो गाइस यार अभी हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट के फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। जी हाँ गाइस फिलहाल तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो कि जितने भी आइटम गाइस आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो मैं आप लोगों को बताऊं तो यार ये प्रोजेक्ट क्रिम्सन के फ्री रिवॉर्ड्स हैं। जी हाँ गाइस यार सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का पैन का स्किन है। फिर गाइस यार इस पैन के स्किन के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक लेजेंडरी प्रांग का स्किन भी मिल रहा है जो कि यार बहुत ज्यादा अच्छा है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को भी आइटम पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस यार इसके बाद आप लोग यहाँ पर अवेलेबल ये बैकपैक देखो, ये वाला बैकपैक भी गाइस काफी ज्यादा अच्छा है। लेवल 3 लेवल 2 लेवल 1 तीनों में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर तो गाइस यार इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक और बैकपैक देखने को मिल रहा है। एंड यार ये वाला बैकपैक भी काफी सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। देन गाइस यार अभी आप लोग यहाँ पर अवेलेबल पैराशूट का स्किन देखो, मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइस यार ये दोनों पैराशूट के स्किन भी हम लोगों को हमारे गेम के अंदर बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और यार सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि गाइस ये सारे के सारे आइटम हम लोगों को 28 तारीख के दिन ही फ्री मिलने वाले हैं। जी हाँ गाइस ये फ्री रिवॉर्ड्स का इवेंट हमारे गेम के अंदर 28 अप्रैल से लेके 11 मई तक चलेगा। होप करता हूँ गाइस आप लोगों को फ्री रिवॉर्ड्स का इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस यार देखो क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले काफी ओपी ओपी से पेड इवेंट फ्री इवेंट का रिव्यू करवा दिया है, यही कारण है कि गाइस यार अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा गिल्ड गोल्ड स्टोर। जी हाँ गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो यार बहुत ही जल्द हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हम लोगों को एक गिल्ड गोल्ड स्टोर नाम का इवेंट देखने को मिलेगा जहां पर गाइस यार हम लोग हमारे गिल्ड हो गए साथ ही साथ गोल्ड कॉइन से काफी सारे आइटम्स को ले पाएंगे। भाई सच में यार ये इवेंट बहुत ही कमाल का रहने वाला है। पर तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं अभी तक हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर बस इस गिल्ड गोल्ड स्टोर इवेंट की PNG ऐड हो रही है। अभी गाइस यार ये इवेंट प्री एक्सेस नहीं हो पा रहा है, यही कारण है कि गाइस यार ये जो इंटरफेस आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो ये इंटरफेस रियल नहीं है। जी हाँ गाइस यार ये तो मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रखा है, पर गाइस आप लोग चिंता मत करो जैसे ही गिल्ड गोल्ड स्टोर इवेंट हमारे गेम की फाइल के अंदर से प्री एक्सेस होने लगेगा तो मैं आप लोगों को इस इवेंट का पूरी तरीके से रिव्यू करवाऊंगा। पर भाई फिलहाल के लिए तो आप लोग इतना ही जान लो 20 से 25 मई के टाइम पे गिल्ड गोल्ड स्टोर हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यारो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो क्योंकि यार अब लगभग 3 से 4 दिनों में ही गिल्ड गोल्ड स्टोर इवेंट प्री एक्सेस हो जाएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूंगा और आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा। बाकी तो गाइस फिलहाल तो क्योंकि आज की वीडियो में मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था इसलिए गाइस अभी हम लोग आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।